क्लीनेस्ट सिटी की लिस्ट में नंबर दो पर आने वाले भोपाल में रोजाना 6000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है, जिसमें से केवल 5.5 मीट्रिक टन यानी 1% से भी कम कचरा नगर निगम इकट्ठा कर पाता है, जिसे सही तरीके से ठिकाने भी नहीं लगाया जाता। मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड ने अब नगरीय प्रशासन के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया है। नगर निगम ट्रकों के माध्यम से इकट्ठा किया हुआ कचरा विभिन्न ढलाव में ले जाकर फेंकता है, जहां कचरा बिना अलग किए जला दिया जाता है, जिसमें कई केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं। कचरे जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कई जहरीली गैस निकलती हैं। यह ढलाव या कूड़ाघर शहर के बीच रिहायशी इलाकों में स्थित है, जिस वजह से लोग दमा, खांसी, लंग्स इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन और खुजली जैसी बीमारियों से परेशान है। ढलाव की वजह से पानी भी प्रदूषित हो गया है, जिससे डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, उल्टी दस्त की शिकायतें बढ़ गई हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ से मतलब डेली बहुत कचरा आता है और पड़ा रहता है यहीं, और बदबू वगैरह सब आती हैं। मध्य प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड की माने तो भोपाल में कुल 377 नगरीय निकाय हैं, जिन्हें 26 क्लस्टर में बांटा गया है, लेकिन केवल 7 से 8 क्लस्टर ही काम करने के हालात में है। हमारा पर्पज ये है कि कचरे का सही तरीके से साइंटिफिक रूप से व्यवस्थित रूप से उसका निष्पादन हो सके, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। कचरा उठाने वालों को नगर निगम कोई ट्रेनिंग नहीं देता है, जिससे उन्हें पता हो कि कचरा कैसे अलग अलग करना है, जिसके चलते मध्य प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड ने 129 नगरीय निकाय के खिलाफ कोर्ट में केस भी दर्ज किया है, लेकिन इसकी जल्दी निपटने और लोगों की मुश्किलें कम होने के आसार जल्दी दिखाई नहीं देते। आकांक्षा ठाकुर की रिपोर्ट, गो न्यूज़।